अलैकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला की रहमत के साथ आज की वीडियो को करते हैं जी शुरू। अभी सुबह के हो रहे हैं 10। मैं अभी अभी सो के उठा हूँ तो मेरा एक दोस्त आ रहा है, मोहसिन, मेरा नाश्ता पार्टनर, जानते हैं आप जैसे कि उसको, तो वो भी आ रहा है तो हम जा रहे हैं नाश्ता करने एक नई जगह पर। आइए चलते हैं, और बहुत ही फेमस जगह पर जा रहे हैं। आपने नाम सुना होगा वारिस निहारी। वारिस निहारी जो लाहौर में बहुत फेमस है, पाकिस्तान की फेमस निहारी है, तो हम उधर जा रहे हैं। उसको कॉल कर दिया, आज वो अपने पुराने वाले घर में इधर ही है, तो अभी आ रहे हैं, फिर निकलते हैं हम। कल मैं वॉश करवा के लाया था, तो जैसे ही मैं वॉश करवाई गाड़ी मैंने, तो साथ ही ना एकदम बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होगी, जल्दी से मैंने कपड़ा डाला, तो अभी देखते हैं गाड़ी की गंदी हुई है कि नहीं हुई। कपड़ा तो उतार रहे नहीं, गाड़ी साफ है, बश बश। मोहसिन को मैंने कॉल किया, मोहसिन भी आ रहा है। मौसम जो है चेंज होता जा रहा है ना, ठंड ठंड सी हो रही है। अब सुबह 10 हो रहे हैं, मुझे थोड़ी सी हल्की सी ठंड लग रही है। एसी नहीं ऑन किया मैंने गाड़ी का इस वजह से, तो अभी बस आ रहे हैं मोहसिन भी। मोहसिन जो है आ चुका है। आपकी अपनी गाड़ी है भाई, बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हाल है सर? ठीक है सर। जबरदस्त, आपका मुँह नहीं आ रहा वीडियो में, बहुत बड़ा हो गया। मोहसिन किधर जाएँ यार? वारिस निहारी का, वारिस निहारी का हमने सीन किया है, तो वहीं पर जा रहे हैं। आइए निकलते हैं। अभी हम जिधर जा रहे हैं ना वारिस निहारी, इसकी जो एक्सेस है बहुत ही आसान है। आपको सारा रास्ता मैं समझा देता हूँ, अगर आप खुद भी कभी जाना चाहें तो आप इजीली जा सकते हैं। अगर आप दूसरे सिटी से आए हुए हों तो आपको सारा बता देता हूँ। सामने आप रोड देख रहे हैं, ये मरी रोड है। हमने यहाँ से आगे जाना है जिधर मेट्रो का रहमानाबाद स्टेशन है, उसके पास 5th रोड वो कहलाती है रोड, तो हमने उधर जाना है। ये जो आप मेरे सामने अभी फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर जो है चांदनी चौक का फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर से हमने सीधा चले जाना है। सामने व्यू आप चेक कर सकते हैं कितने ही मज़े का है। तो अभी जो है हम चांदनी चौक के फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हैं। ये जो आप क्लॉक टावर मेरे सामने देख रहे हैं, ये रोड अंदर जा रही है 5th रोड पर, तो हमने इधर से अभी लेफ्ट हो जाना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी हम 5th रोड से गुजर रहे हैं। इस साइड पे हमारे रिफ्रेशमेंट सेंटर आ जाता, पूरी कमर्शियल मार्केट, तो हमने इस साइड पे नहीं जाना, हमने सीधा जाना है। सो व्यूअर्स, फाइनली अभी हम वारिस निहारी जो है वो पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, साथ में मेरे, तो अभी इधर चलते हैं और बैठ के नाश्ता करते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं वारिस निहारी। इनका बाहर जो सीटिंग का एरिया है बहुत ही मज़े का बनाया हुआ है इन्होंने। इधर बैठते हैं और देखते हैं, कुछ ऑर्डर वगैरह करते हैं। यार अंदर एसी में बैठते हैं, बाहर बैठते हैं, मज़े का हाँ। तो मोहसिन कह रहा है अंदर बैठते हैं, उसको यहाँ मज़ा नहीं आ रहा बाहर बैठने का, तो अंदर चलते हैं। अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, तो अभी इधर बैठते हैं और ऑर्डर करते हैं। जो अंदर इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त बनाया हुआ है, जो ट्रेडिशनल नहीं होता पुराना, देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा इन्होंने सेटअप इधर ये बनाया हुआ है वॉल्स पे। आपको इस साइड पे दिखाता हूँ, ये इन्होंने अपनी जो है वारिस इकबाल साहब, जिनकी ये शॉप वगैरह, उनके बारे में सारा यहाँ पर बताया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। नो डाउट इनका सेटअप जो है काफ़ी अच्छा है। तो हमने अभी ऑर्डर किया है निहारी का, मेन्यू आपको दिखाता हूँ। मेन्यू है तो हमने ये ऑफर की है, तो हमने ये ऑर्डर की है फुल प्लेट, बाकी इनका मेन्यू है। और काफ़ी वैरायटी है इनके पास निहारी की, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गरम गरम निहारी हमारी आ चुकी है, तो अभी जल्दी से शुरू करते हैं। मोहसिन, कैसे तासुरात है निहारी देखकर आपके? अभी खाएंगे तो पता लगेगा। निहारी जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है इनकी, तो अभी खाते हैं तो फिर पता लगता है।
आप लोग भी आएँ इधर विज़िट करें। हाँ थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन मज़े की चीज़। हम जो है एक प्लेट खा चुके थे, हमने दोबारा ऑर्डर किए, ऑर्डर नहीं की ग्रेवी मंगवाई है, ग्रेवी मंगवाई और बोतल की हम दो पी चुके यार, भूख लगी हुई थी। मौसम भी शेयर मैं भी शेयर बना, मोबाइल गिरने लगा था इस पर। तो माशाल्लाह इनका टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का यार। अभी नान एक और हमने ऑर्डर किया, नान आ रहा, नान ख़त्म हो गया, तो बहुत मज़े की नहीं आ रही है यार इनकी। अभी हमने यहाँ से नाश्ता वगैरह कर लिया, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त साद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।